दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। भूत प्रेत या आत्मा, इनका कोई ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसे आत्माएं अपना ठिकाना बना लेती हैं। अब तक आपने पुरानी इमारतों और खंडरों पर रूहों के कब्जे के बारे में सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायर्स यानी पिशाचों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो बन चुका है वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट नामक कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो कि आए दिन उस कब्रिस्तान में घूमते हुए नजर आते हैं। अब तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अफवाहें ही फैलाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर रूहों का होना लाजमी है। यह सच है क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या फिर उसका शरीर दफन हो। लेकिन ये आत्माएं कभी किसी को परेशान करना नहीं चाहती हैं। ये अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको लंदन के इस भूतहा कब्रिस्तान की सैर कराते हैं। हाईगेट नाम का ये कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में मौजूद है। इस विशाल कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान होने के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी मशहूर है। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मिस्र की शैली का भी पूरा उपयोग किया गया है। हाईगेट नामक इस कब्रिस्तान का निर्माण सन 1839 में शुरू किया गया था। ये वो समय था जब लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी इलाके में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इससे पहले जगह की कमी के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही दफना दिया करते थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया और तब से हाईगेट नाम का ये कब्रिस्तान अस्तित्व में आया। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ मुर्दों को दफनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। इस कब्रिस्तान में ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहां पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहां पर आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। कई बार लोगों को आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा भी हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला था सन 1970 में, जब स्कूल की दो लड़कियों ने इस कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा हुआ देखा था। उन दोनों लड़कियों का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई थी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें वहां एक आदमी कब्र से शव को निकालकर उनका खून पीता हुआ नजर आया। इसके अलावा
उस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला सामने आया, जब एक प्रेमी जोड़े ने एक वैम्पायर को देखने का दावा किया। उनका कहना था कि वे दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से काफी अलग था। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साए ने उन्हें देख लिया और वह उन्हीं का पीछा करने लगा। ये देखकर दोनों वहां से भाग निकले। इसी तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाई गेट कब्रिस्तान में देखने को मिलती हैं। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से भूत प्रेत और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।